नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा जायसवाल स्मार्ट एंड हेल्दी किचन से। दोस्तों 15 अगस्त आ रही है, छतों पे चढ़कर हम लोग 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हैं। इधर नॉर्थ दिल्ली या नॉर्थ इंडियंस तो बहुत ज़्यादा 15 अगस्त पर पतंग उड़ाते हैं, आज़ादी का मज़ा लूटते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना पतंग उड़ाने के साथ साथ हम कुछ ड्रिंक्स का भी मज़ा ले लें। तो आज मैं कुछ मॉकटेल और आपको कुछ ड्रिंक्स बनाना सिखा रही हूँ, जो हम पतंग उड़ाते उड़ाते जब हमें पसीना आ जाता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस समय हम पी के मज़े लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ऑरेंज कैरेट का जूस। ऑरेंज कैरेट का जूस बनाने के लिए मैंने ये दो ऑरेंज कैरेट ली हैं, जो हमारे सैलेड में यूज़ होती हैं। हम इसे सबसे पहले छील लेंगे छिलने से, इस तरह से। दोस्तों छीलने के बाद हमें इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। मैंने कैरेट को छील के वॉश कर लिया है। इसे आप इस तरह से काट के छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं। या इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं इस तरह से। एक गाजर को मैंने आपको काट के दिखाया है, दूसरी को कद्दूकस करके दिखाया है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों प्रोसीजर बताए हैं। इसके बाद ये गाजर हम मिक्सी में डालेंगे। मैं इसे मिक्सी में डाल रही हूँ। स्वीटनेस के लिए हम थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि गाजर का थोड़ा सा टेस्ट जूस में कसैला सा आता है। 2-4 पुदीना लीव्स, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसे बंद कर देंगे, मिक्सी को चला देंगे। इसे खोल के चेक कर लेंगे। बारीक पीस गया है, फिर भी थोड़ा सा और घुमा लेंगे इसे। थोड़ा सा इसमें हम पानी और ऐड कर रहे हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। 1 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा सा चाट मसाला, जरा सा काला नमक। अब इसे हम घुमा देंगे दोबारा से। दोस्तों मैंने इसे पूरे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से घुमाया है, ताकि हमारा जो जूस है पूरा प्रॉपर निकल आए, गाजर हमारी पूरी तरह से पिस जाए। अब हम इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे। जो इसका पल्प निकला है, इसे हम दबा दबा के इसका जूस निकाल लेंगे। वैसे तो जूसर में आप जूस निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसलिए इसमें बताया है, इसमें पल्प बहुत अच्छा, हमारा पल्प का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, उसमें हमारा फाइबर जो है खत्म हो जाता है। इसको हम अच्छी तरह से दबा दबा के इसका जूस निकाल लेंगे।
दोस्तों कैरेट जूस बनके रेडी हो चुका है। आपने देखा ये ऑरेंज कैरेट का जूस है। अब मैं इसे ग्लास में शिफ्ट कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी बर्फ, और इसमें हम अपना डालेंगे जूस। थोड़ा सा इसको हिला लेंगे क्योंकि इसका जो पल्प है वो नीचे बैठ जाता है। ऑरेंज कैरेट जूस बनकर रेडी हो चुका है। हम इसे अपने सुबह के ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और जिम में जाते हैं उन्हें इस तरह के जूसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप सुबह के ब्रेकफास्ट में इसे ऐड कर सकते हैं। इसको पीने से एनर्जी तो आएगी, प्लस चेहरे पर ग्लो भी बहुत आएगा, और चेहरे का ग्लो तो दोस्तों सभी को पसंद है। सर्विंग के टाइम पे हल्का सा हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे तो उसको देख के और भी ज़्यादा मन कर जाता है इसे तुरंत पीने का। तो दोस्त दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, खस का लेमन टेस्ट, खस की शिकंजी या खस खस का जो शरबत आता है उसका मॉकटेल। मैंने एक चम्मच खस का शरबत डाला है इसमें, आधी चम्मच मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये तो मीठा ही अच्छा लगेगा। डेढ़ चम्मच मैंने खस का शरबत डाला है, थोड़े से पुदीने पत्ते 20-25, आधी चम्मच काला नमक, 2 चम्मच लेमन जूस, 1/2 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी बर्फ डालेंगे, 100 ml पानी। अब हम इसे घुमा देंगे। हम खोल के देख रहे हैं, थोड़ा सा पुदीना लीव्स पिसनी रह रही है। हम इसे दोबारा से घुमा देंगे। दोस्तों देखिए, खसखस शरबत आप वैसे तो बना के बहुत बार पीते होंगे, लेकिन इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप मीठा शरबत पीना ही भूल जाएंगे। इतना बढ़िया ये हमारा लेमन टेस्ट का खसखस शरबत बना है। इसको आप लेमन की शिकंजी भी कह सकते हैं, लेमन का मॉकटेल भी कह सकते हैं। अब हम इसे ग्लास में डाल रहे हैं, थोड़ी सी बर्फ, ये आपका लेमन शरबत बनकर रेडी है। दोस्तों अब मैं बना रही हूँ सोडा शेक, सोडे का मिल्क शेक, जो आपको जैसे आपको गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है या सीने में जलन हो जाती है, तो उस समय ये आपको बहुत बेनिफिट देता है, बहुत फ़ायदा करता है। इंस्टेंट आपको आराम मिलता है। इसमें मैं 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसके लिए ठंडा दूध लेना है, और ठंडे दूध में फिर चीनी मिक्स नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने शुगर का पाउडर बना लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, हमें बस इतना ही दूध डालना है। इसमें हम चीनी को मिला लेंगे दूध में। इसमें ऐड कर रहे हैं हम बर्फ क्योंकि ये दूध जो है चिल्ड ही अच्छा लगता है, नॉर्मल टेम्परेचर का ये दूध अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों इसे आप रात को कभी भी, मतलब डेली बना के पी सकते हैं, और
जब आपको प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने आपको बताया था गैस, एसिडिटी, जलन, तो उसमें आप पी सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद इसे पी सकते हैं, या वैसे कभी भी मन कर जाए तो आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, तीनों चीज़ें बनके रेडी हो गई हैं। अब मैं ये सोडे वाला मिल्क बना रही हूँ। मिल्क मैंने तैयार कर लिया है चीनी डाल के। मैं इसमें सोडा ऐड करूँगी। ये मेरा खसखस शरबत है, लेमन वाला। ये देखिए, मैंने इसको बना दिया मॉकटेल। दोस्तों, तीनों ड्रिंक्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये ऑरेंज कैरेट का जूस है, ये सोडा मिल्क शेक है, और ये है हमारा खस का मॉकटेल। इसको इसमें भी हमने सोडा ऐड किया है, इसमें भी हमने सोडा ऐड किया है। आपने देखा होगा दूध मेरा बिल्कुल नहीं फटा है। तो दोस्तों, 15 अगस्त पर आप इन तीनों चीज़ों को बनाकर अपने दोस्तों के साथ इसका मज़ा लीजिए, इसका लुत्फ उठाइए। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, तीनों ड्रिंक्स की रेसिपी? आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर। वंदे मातरम दोस्तों।